दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है खामोशी द म्यूजिकल। यह फिल्म 1996 को रिलीज हुई थी और यह एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। दोस्तों, कुछ मायनों में यह फिल्म काफी खास थी क्योंकि इस फिल्म में मनीषा कोइराला द्वारा निभाया उनका रोल और उनकी एक्टिंग को उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस माना गया था। मैं गा नहीं सकती आज। मनीषा कोइराला ने इस फिल्म में एक केयरिंग बेटी का रोल निभाया है जो एक गूंगे बहरे माँ बाप की बेटी होती है। अक्सर हमने नाना पाटेकर को फिल्मों में जबरदस्त डायलॉग्स बोलते देखा है, जहां उनके डायलॉग्स पर सिनेमा हॉल्स में तालियां बजा करती थी। तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। लेकिन इस फिल्म में नाना पाटेकर को हम एक मुख बधिर व्यक्ति के किरदार में देखते हैं। कैसे वो बिना डायलॉग्स बोले अपनी एक्टिंग से अपना टैलेंट सभी को दिखाते हैं। लेकिन उसने कभी कुछ नहीं। खामोशी द म्यूजिकल फिल्म के गाने और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे और आज भी ये सॉन्ग्स उतने ही फ्रेश लगते हैं सुनने में जितने उस वक्त लगा करते थे। दोस्तों, फिल्म की कहानी एनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो रोल मनीषा कोइराला ने निभाया है। मनीषा के माँ और बाप मूक बधिर होते हैं, वो बोल और सुन नहीं सकते। मनीषा को म्यूजिक बहुत पसंद है। बचपन में मनीषा अपनी दादी की वजह से म्यूजिक के करीब आई थी। मनीषा दो तरह की जिंदगी जी रही होती है, एक जहाँ वो अपने माता पिता के साथ है, दूसरी जहाँ वो और उसका म्यूजिक है। मेरी जिंदगी बचपन से ही दो दुनिया में बट गई थी, एक तरफ मम्मा पापा की खामोशी और दूसरी तरफ मरियमा का संगीत। म्यूजिक की वजह से उसकी मुलाकात सलमान खान से होती है। यह फिल्म एक इमोशनल फिल्म है जिसमें काफी उतार चढ़ाव आते हैं, जिन्हें जानने के लिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, खामोशी फिल्म में नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला के पिता का रोल निभाया है। इसी साल इन दोनों की एक और फिल्म रिलीज हुई थी इस फिल्म से पहले, जो थी अग्नि साक्षी, जिसमें नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला के पति का किरदार निभाया था। वो मुझे नई ड्रेस चाहिए, इस बार कार्निवल में मुझे सुंदर दिखना है पापा, प्लीज। वैसे फ्रेंड्स, बताया जाता है कि उस वक्त नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला का रियल लाइफ में भी अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अग्नि साक्षी और खामोशी दोनों फिल्मों के दौरान दोनों को कई बार प्रोडक्शन टीम ने शूट खत्म होने के बाद साथ में देखा था। बताया यह भी जाता था कि उस वक्त दोनों एक साथ ही रहा करते थे। नाना पाटेकर उम्र में मनीषा कोइराला से बड़े थे और उस वक्त वो शादीशुदा भी थे जब इन दोनों का अफेयर चल रहा था। साल 1996 में मनीषा कोइराला ने एक प्रिंट मीडिया के इंटरव्यू में कबूला भी था कि वो और नाना पाटेकर रिलेशनशिप में है। दोस्तों, खामोशी फिल्म में एक रोल एलन ने भी निभाया था, जहां उन्होंने मनीषा कोइराला की दादी का किरदार निभाया था। एलन सलमान खान की सौतेली माँ है। यह फिल्म उन्होंने सलमान खान के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर की थी। और इस फिल्म में हमें पहली बार हेलेन सलमान खान की किसी फिल्म में देखने को मिली थी। वहीं नाना पाटेकर के साथ भी यह उनकी एकमात्र फिल्म है। दोस्तों, ये पहली और आखिरी बार था जब किसी फिल्म में नाना पाटेकर गूंगे और बहरे व्यक्ति के रोल में हमें देखने को मिले थे। दोस्तों,
दोस्तों खामोशी फिल्म का म्यूजिक तो बहुत पसंद किया गया, बहुत सराहा गया जनता के द्वारा, लेकिन फिल्म को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। हालांकि एक्टिंग, स्टोरी और इमोशन के मामले में फिल्म का स्तर काफी ऊंचा था, लेकिन कई बार सब कुछ सही होते हुए भी फिल्म को दर्शकों का प्यार नहीं मिल पाता है। इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रखा गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म एक्सपर्ट्स और समीक्षकों के मुताबिक इस फिल्म के असफल होने का कारण था नाना पाटेकर का फिल्म में मुख बधिर होना। दर्शकों में नाना पाटेकर की इमेज एग्रेसिव डायलॉग्स बोलने और मजबूत व्यक्ति की थी, जो क्रांतिवीर जैसी फिल्मों के द्वारा बनी थी, लेकिन इस फिल्म में वो उसके एकदम विपरीत थे। फिल्म में उनका कोई डायलॉग नहीं था और फिल्म में काफी जगह वो एक बेबस इंसान लगे हैं, जो शायद दर्शकों को पसंद नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा था कि फिल्म का प्लॉट काफी सीरियस था, इस वजह से आम जनता उससे जुड़ नहीं पाई। लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, उस तक नहीं बोला। दोस्तों वैसे बताया जाता है कि नाना पाटेकर भी फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि फिल्म में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कहानी के लिए सही नहीं है। जब भी कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है, कोई सॉन्ग फिल्म में आ जाता है, इस कारण कहानी से दर्शकों का कनेक्शन टूट जाएगा। उन्होंने मेकर्स से बात भी की थी कि फिल्म के रिलीज से पहले कुछ गाने फिल्म से कट कर दिए जाएं, ताकि कहानी ज्यादा प्रभावी बने, लेकिन मेकर्स ने उनकी ये बात नहीं मानी। दोस्तों खामोशी द म्यूजिकल फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने और यह उनकी एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। इसी फिल्म द्वारा उन्होंने बॉलीवुड में एक डायरेक्टर के रूप में कदम रखा था। उनकी ये फिल्म तो इतनी सफल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक, सावरिया और गुजारिश जैसी फिल्मों का निर्माण किया था और आज उन्हें बॉलीवुड के एक सफल डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है, जिनकी फिल्म मेकिंग से काफी लोग प्रभावित हैं। दोस्तों खामोशी फिल्म में मेन हीरोइन के रोल में मनीषा की जगह संजय लीला भंसाली करीना कपूर को बतौर हीरोइन फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त करीना कपूर एक्टिंग और बॉलीवुड में एक्टिव नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इस फिल्म के कुछ सालों बाद करीना कपूर ने भी जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बंसाली एक वक्त माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन माधुरी उस वक्त काफी फेमस थी और वो काफी बिजी थी, इस कारण बंसाली माधुरी दीक्षित तक पहुंच नहीं पाए और उन्होंने खामोशी फिल्म के लिए काजोल को साइन किया। लेकिन आगे जाके काजोल और बंसाली के बीच फिल्म को लेके कुछ इशू हो गया और काजोल ने इस फिल्म को छोड़ दिया। इस तरह लास्ट में जाके फिल्म में मनीषा कोइराला की एंट्री हुई। दोस्तों खामोशी फिल्म के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि नाना पाटेकर डोर टू डोर जाकर सामान बेचते हैं। वो बोल नहीं सकते, इस कारण उनकी बेटी उनके साथ रहती है, जो बोल के प्रोडक्ट्स के बारे में समझाती है। हम सुपर क्लीन फैक्ट्री से आए हैं, ये हमारी फैक्ट्री का नया साबुन है, 3 का 1, 5 का 2। यह सीन संजय लीला भंसाली की रियल लाइफ से इंस्पायर था। जब वो छोटे थे तब उनकी माँ भी इसी तरह घर घर जाकर सामान बेचा करती थी और वो उस वक्त उनके साथ होते थे। संजय लीला भंसाली ने अपनी माँ के संघर्ष को काफी करीब से देखा था, इसलिए उन्होंने अपने नाम में अपनी माँ का नाम लगा के उनको एक ट्रिब्यूट दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, संजय लीला भंसाली में लीला इनकी माँ का नाम है। दोस्तों एक जर्मन फिल्म बियॉन्ड साइलेंस भी इसी मिलते जुलते विषय पर बनाई गई थी। माना जाता है कि ये जर्मन फिल्म हिंदी फिल्म खामोशी से इंस्पायर थी। हालांकि दोनों फिल्में आसपास ही रिलीज हुई थी। खामोशी फिल्म अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और बियॉन्ड साइलेंस दिसंबर 1996 को। इसके बाद एक फ्रेंच फिल्म रिलीज हुई थी खामोशी और बियॉन्ड साइलेंस से मिलती जुलती कहानी पर। इस फ्रेंच फिल्म का अमेरिकन रीमेक भी हुआ, जिसका नाम कॉडा था।
दोस्तों साल 1994 में राकेश रोशन अपनी फिल्म कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म बना रहे थे जिसका टाइटल खामोशी होने वाला था, जिसमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय, आयशा जुल्का और अनुपम खेर जैसे कलाकार काम कर रहे थे। फिल्म को खुद राकेश रोशन ने लिखा था और वो खुद ही इसका निर्देशन भी कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और डब्बा बंद हो गई थी। दोस्तों काफी लोगों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामोशी फिल्म अपने समय से पहले की फिल्म थी, इस कारण उस वक्त ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन समय के साथ इस फिल्म को दर्शकों ने समझा और आज इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल है। खामोशी फिल्म को बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म में मनीषा कोइराला के काम की काफी तारीफ हुई थी, इसी वजह से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, साथ ही उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। मनीषा का ये रोल उनके एक्टिंग करियर का सबसे बेस्ट रोल माना जाता है उनकी उम्दा एक्टिंग की वजह से। मुझे सुनाई देता, मैं रो भी नहीं सकती थी क्योंकि आप मुझे देख रहे होते। फिल्म फेयर ने बॉलीवुड फिल्मों में निभाए बेस्ट आइकॉनिक रोल्स की एक लिस्ट 2010 में तैयार की थी, जिसमें उन्होंने 80 ऐसे बॉलीवुड में निभाए रोल्स को सेलेक्ट किया था जो आइकॉनिक माने जा सकते हैं। इस लिस्ट में मनीषा कोइराला का खामोशी द म्यूजिकल फिल्म में निभाया रोल रखा गया था। खास बात यह है कि टॉप 80 रोल्स में उनके इस रोल को 19वें स्थान पर जगह दी गई थी। दोस्तों खामोशी फिल्म का म्यूजिक काफी बढ़िया था और बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था जतिन ललित और रेमो फर्नांडिस ने। फिल्म का एक गाना आज मैं ऊपर आसमान नीचे के लिए सिंगर कविता कृष्णमूर्ति को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। खामोशी फिल्म के म्यूजिक और गानों को भी 100 बेस्ट बॉलीवुड साउंडट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम में 97वें नंबर पर रखा गया था। यह रैंकिंग प्लैनेट बॉलीवुड द्वारा दी गई थी। दोस्तों तो ये थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपकी कौन सी याद इस फिल्म से जुड़ी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।